जैसा कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना लोग कुकड़ी लेके आए, मैं उसको दिमाग करने लगी हूँ। में इतना जज्बा है कि वो कुकड़ी लेके आए हैं, करते करते रोक दिया है कि यहाँ पे नहीं करना। जैसा कि ये बता दूं कि यहाँ पे ये लोग कुकड़ी लेके आए हुए हैं, इनको मैंने कहा कि आपने कुकड़ी को दिमाग नहीं करना होगा। जी का है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप यहाँ पे कुकड़ी लेके आए हुए हैं दिमाग करने के लिए, कुकड़ी तो दिमाग हो गई भी है, तो आप इसका क्या करना है, इसका क्या कसूर है? ये इन्होंने ज़िबा जो की है वो ज़िबा नहीं हुई है, ये गद्दार है, ये फिर भी खड़े होके आ सकते हैं। हम हमजा को ये दीन से बैठ लेके आए हैं, इससे मार मार के इनकी जान न ले ले, राणा सलाउल्लाह को खत्म न कर ले। हमारे बहनों भाइयों पे इन्होंने जहरीला शेल चला 3 और 2005 के, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, मार मार कर इनका बुरा हाल कर देंगे। और ये लोटे याद रखे, 17 जुलाई को अभी जो नया लोटा बनेगा वही हाल होगा जो 17 जुलाई को लोटे का हाल हुआ था। मैडम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वसीबा हो गई है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ इस कुकड़ी का कोई कसूर नहीं है, इसको यहाँ कीजिएगा। आप यकीन करें, पता चल चुका है, आप यकीन करें, हम ये छुरी भी साथ लेके आए हैं, लेकिन यहाँ अपनी माओ बहनों भाइयों की बात मान के नहीं की, इसलिए मैं अपने भाइयों की बात मान रहा हूँ। वेरी गुड। जैसे मैं ये बता दूं, हमजा खतर है, इसकी खातर हम ये मुर्गी हलाल नहीं करेंगे, अपने बच्चों को घर जाके खिलाएंगे। और हमजा शहबाज और राणा सनाउल्लाह को मैं बताना चाहता हूँ, राणा सनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़ के लिबर्टी ग्राउंड में ला के सीधा, तो मेरा नाम अच्छा खान नहीं। सरदारी जो कहता है एक सरदारी सब पे भारी, और सरदारी तूने 11 साल जेल काटी है, और तूने जुआ खेला है, और तेरा सरदारी तू कहता है तेरा बच्चा हमारे पे हुकूमत करे, और तेरा बच्चा कलमा चौक पे खड़ा होके घुसरा बने घुसरा, हमारा मुकाबला हमारा वजीर आजम नहीं कर सकता, हमारा वजीर आजम को शिकस्त फतह अल्लाह पाक ने दी है। इमरान खान अल्लाह पाक की मदद उसके साथ है, हम ना डरने वाले, ना बिकने वाले, ना झुकने वाले, हम इंशाल्लाह ताला अपने इमरान खान को सुरखरू करके रहेंगे। मैं कहना चाह रहा था सरदारी इधर बातें आके कर रहा है, उससे कराची का पानी तो निकाला नहीं जा रहा, और मैं क्या करेगा, और सिंध उससे संभाला नहीं जा रहा, पंजाब कैसे संभालेगा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अपना काम कर जाके। राणा सनाउल्लाह तुमसे मंशियात पकड़ी गई थी, अगली दफा तुम छूट गए थे, इस दफा तुम्हें बड़ी मार पड़ेगी, बड़ी मार पड़ेगी। जैसा कि ये मैं बता दूं कि ये देखिए ये लोटे जितने भी बीच में हैं, और ये लोटों को मैं कहना चाहता हूँ 17 जुलाई को, जैसा कि मैं ये बता दूं कि ये लोटों को ये जो लोटे हो गए हैं वो ये हाल हो रहा है, बहुत शर्म की बात है कि आप लोगों के तमाम लोग आप लोगों का ये हाल कर रही है। ये देखो जूतियों के साथ उसको मारा जा रहा है जो लोटे हो गए थे। अलीम खान बंदे के पुत्र बन जाओ, नए लोटे जो आएंगे। नहीं नहीं, अलीम खान इज अ ग्रेट मैन, ये ना कहे वो ठीक है, लेकिन प्लीज उनको कुछ ना कहे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और हमारे समीर बचे हैं, हमारे बच्चों का बोर्ड बचे, ये गद्दार है, ये हमारे पाकिस्तान में ही, इनको इंडिया चला जाना चाहिए, हम इनको इस तरह लोटो को मारेंगे 17 जुलाई को जब मारा था। मैं 1992 का फैन हूँ,
पाकिस्तान की माँ बहन बेटी हम निकले और इस पाकिस्तान के वो सभी सोचे, मगर ये लोग ये हमदर्द कुकुरी और ये शबाज शरीफ कुकर तीन साल तक कुछ नहीं किया और इमरान खान ने 3.5 साल से सब कुछ किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान कौम को खाने दिए लाहौर में, और खान साहब ने 11 अक्टूबर को कहा था कि अगर तुम अपने पियो तो ये मुझे मेरे पाकिस्तान पैके दिखा दो, दिखाया है 5 दफा। शुक्रिया शुक्रिया। ये बैग जो है ये मैं अपने बहनोई से चतरा से बना के लाया हूँ। अब शबाज शरीफ के लिए जूते का डब्बा अपने बहनोई से बना के लाऊंगा। शबाज शरीफ अब स्टॉपो पर बैठ के बूट पॉलिश करो, बूट पॉलिश करो। आपकी औकात ये है, आपको हम दो बैग ला के देंगे शबाज शरीफ, ताकि आप बूट पॉलिश करो, बूट पॉलिश करो शबाज शरीफ, बूट पॉलिश करो मेरा सबसे पहले करो। जैसा कि मैं ये आपको बता दूं कि ये देखें, ये हकीकत सामने है कि ये देखें अवाम, आम अवाम जो है वो आपको ये कह रही है कि आप बूट पॉलिश करें। अच्छा मुझे ये बताए, हाथ खड़ा करके बताए किस कितने बूट पॉलिश करवाने हैं, हाथ खड़ा करें, हाथ तरफ किस कितने, ये बता दूं ये सब आपसे बूट पॉलिश करवाना चाहते हैं। आवाम की मोहब्बत है ये देखिए। अब आप नारे लगाएं, जोश बताएं, नारे लगाएं, आगे आए नारे लगाएं। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, आगे कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। जबरदस्त, जैसा कि ये मैं बता दूं कि खान के जियाले, खान के वर्कर, खान के ये चाहने वाले आपको हर नजर, हर जगह नजर आएंगे। और आप खान के अल्लाह हाफिज़ बता देते हैं कि किसी को भी इनके ऊपर मसलत कर दो, कौन सा कौन चुप करके बेबकियों की तरह कबूल कर ले, कि उसके बाद पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया कि किसी न किसी तरह हमें इतना दबाया जाए कि उसके बाद उठ ही ना सके हमारी जमात। और ये मुझे आपकी पता अड़े से पता चल गया था। देखे ये है खान से मोहब्बत, आए और ये आड़े वाले लाहौर, हम भी लाहौरी हैं। तो थैंक यू सो मच जी, किससे आए, अस्सलाम वालेकुम, किस तरफ आए, कैसे आप जी। ये फ्लैग आप पीटीए का लेके आए, इसको खोले खोले, इसको पता चले आप पीटीए का फ्लैग लगा के आए, खोले जी। अच्छा मुझे ये बताए कि आपको इमरान खान से कितना प्यार है। बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत अनलिमिटेड, 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 एक ही बंदा है हमारे पास। और ये फ्लैग लेके आए हुए थे, बांध के रखा हुआ था हमने, कहा खोले पता चले आप पीटीए के हैं, आप पीटीए की पहचान है। खान साहब जिंदाबाद, कुछ कहना चाहेंगे आप। एक ही बंदा हमें दिए है, इन दोनों पार्टियों को हमने 40 साल से देख लिया है, ये कोई ठेकेदार नहीं है कि इन्होंने आना है, 4 साल अपनी टर्म पूरी करें, फिर करें, फिर जाएं, दूसरे ये छोड़ ही नहीं रहे, रोटी कपड़ा मकान शुरू से सुनते आ रहे हैं, वो अभी तक नहीं मिला, वो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ, इनकी पूरा नहीं हुआ, तैयारी इनको करने दो ना। अब वो बेचारा आगे है, 3 साल में क्या करना था तुम्हारे, 30-35-40 साल का जितना भी गार्बेज है वो 3 साल में कैसे करता। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मरियम नवाज को क्या मैसेज देंगे। मरियम नवाज देखे, ठीक है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बीइंग ए लेडी, एक खातून होने की हैसियत से,
नवाज शरीफ की बेटी हैं और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने घर में उसको पार्टी का लीडर बना दिया है, बट शी इज़ नॉट ऑफिस होल्डर। वो ना MN है ना MP है, वो खाम खा वो एक तर्जमानी एक उनकी वकालत कर रही है अंडरसाइड। तो वो बड़े बड़े बूढ़े सियासतदान कौन बचाएगा पाकिस्तान जी, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को बचाने वाला एक ही लीडर है, पाकिस्तान को हमारे पाकिस्तान को पुरमन पाकिस्तान हमको बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, तो बनाने वाला इमरान खान है। मैं यहाँ से आपको ये बता दूं कि ये सभी लिबर्टी के राउंड अबाउट यहाँ पे स्क्रीन दिखाई गई है, लाइव खान को दिखाया जा रहा है। अवाम जो है ना ये दे, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अवाम जो है ना घर में बैठ के टीवी पर भी देख सकती थी, लेकिन जो ये जश्न यहाँ इकट्ठे होकर ये यहाँ पे बनाया जा रहा है और डिसिप्लिन से ये आप थोड़े से ये कवर करें। ये देखें इतना डिसिप्लिन के साथ हमारे ये जो मेल्स हैं, ये लड़के हैं मेल जितने भी हैं, खान की स्पीच को देख रहे हैं। यहाँ पे फीमेल भी खड़ी हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है, बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यकीन अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अच्छा मुझे ये बताएं कि आज ये आप आए हुए हैं तो आज के इस लम्हे के हवाले से खान के साथ लाइव स्पीच भी चल रही है, यहाँ जश्न भी मनाया जा रहा है, आप भी आए हैं, तो आपका ये जो खुशी का लम्हा है तो इस लम्हे में आपको ये जो खुशी का समा लग रहा है तो आप क्या कहेंगे कि ये लम्हा कैसा लग रहा है? जी माशाल्लाह आज खान साहब का जो अल्लाह पे तवक्कल है ना, इसको जानकर इतनी खुशी हुई कि इतनी 12 पार्टियां एक साइड पे सारे चोर इकट्ठे हो और एक वैद बंदा जिस पर अल्लाह का उसका अल्लाह पर इतना तवक्कल था कि आज हम सब लोग साथ आए हैं और इतनी खुशी हो रही कि आपको बता नहीं सकते। अल्लाह ताला उसको हर जो परेशानी से बचा के रखे और एक वैद ये लीडर है जिसको इसने इस पाकिस्तान को खड़ा करना है और पाकिस्तान इसी के दौर में तरक्की करेगा, वरना ये चोर तो सारा वो गीतों की तरह जो है इस मुल्क के। तो हमारे लिए खान साहब से बढ़कर कुछ नहीं है, हमारी जान भी उनके लिए हाजिर है, ये तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ आना। ये 25 मई को जो उन्होंने किया ऐसे 10 मरतबा भी कर ले फिर भी हम खान साहब के साथ। थैंक यू सो मच। जैसा कि ये बता दूं कि अवाम जो जितने भी खान को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, जो यानी कि जो PTI के कोई अहदेदार भी नहीं है, आम अवाम भी है, वो भी खान को कहते हैं कि वो के खान हम मरते दम तक हर खान के साथ रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे जी, बच्चे शर्मा गए, छोटा सा लड़का जी शर्मा गया है। तो जी आप इन्होंने मास्क पहन लिया, अब तो आप आराम से बात करना चाहेंगे। ये PTI का मास्क भी पहना हुआ है, PTI की शर्ट भी पहनी हुई है। कौन है ये? मलक नवाज अवान 168 और ये उस हलके से आई हुई है, पूरी टीम पुरजोश नजर आ रही है और जब इस खान की लगी हुई है ये देख रहे हैं। जी आपने तो मास्क भी बड़ा खूबसूरत साथ पहना हुआ है PTI का, इतना लगा हुआ है आपको PTI से, इतना प्यार है आपको PTI से, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। अच्छा क्या कहना चाहेंगे ये लम्हा जो हिंदुस्तान के पास खूबसूरत लम्हा, खुशी का जब लम्हा होता है तो अल्फाज नहीं कोई होते, तो आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आ रहा है, सारे पाकिस्तानी निकले हैं सारे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हम कान गजमत कहने से हैं तो इंशाल्लाह अगले मलक नवाज अवान से आए जी, इंशाल्लाह बड़ा इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह इमरान खान को जिताएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान के आगे आगे भी हम आपको दोबारा मुलाकात होती है।